मरियम नवाज जोशी खिताबत में तहजीब भी भूल गए। इमरान खान के खिलाफ गैर मुआज़िब अल्फाज का इस्तेमाल, सन्नाटेदार थप्पड़, इस शैतान को माफ़ी ना मिलने जैसे अल्फाज बोलती रहीं। लेकिन नायब सदर का खातून कार्ड इस्तेमाल ना करने का भी दावा। मरियम नवाज झूठ बोलने और गलत मालूमात देने से भी बाज ना। इमरान खान के अहलिया से मुतालिक गैर मुहासिब लहजा भी अपनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ होने का इंदिया दिया। कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ है, बस अदालत में एक दरख्वास्त देनी है। सर्जरी कराने जल्द लंदन जा रही हूँ, सर्जरी करा कर वापस आऊँगी, फिर पंजाब फतह करूँगी। सियासी गुफ्तगू में इदारों को भी घसीटती रहीं, अदालतों को माइनस इमरान मनसूबे में शामिल होने के लिए डिक्टेट करती रहीं। बोली, इमरान खान के केस में फिराक दिली का मुजाहरा ना करें, इमरान खान को माफी नहीं मिलनी चाहिए। कुदरत का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है। मैं बताती हूँ तुम्हें एनआरओ क्या होता है। मनी गाला, जिसका नाम मनी गाला है, तुमने जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। फरा गोगी ने जो भी कमाया था उसकी फ्रंट वुमन पीरनी पिंकी थी। जब मरियम जेल में थी तुमने डाला था झूठे मुकदमे, तब मरियम खातून नहीं थी। जब मरियम नवाज औरत कार्ड नहीं खेला, तुम ये खातून खातून की रटना लगा, तुम तो बात करने के काबिल नहीं। इस शैतान को आपने माफी दी तो इसका मतलब है कि आइंदा ये यही करेगा। ये होता है जब आप खिलंदरे को तलंगे को लाकर आप बिठा देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। नवाज शरीफ का रास्ता साफ है, सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट। आज इनको फंसा दे, बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानियां कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि शटी के बच्चे आपसे अच्छे। शटी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।